आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। आबकारी नीति के कथित घोटाले के मामले में सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आसपास बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई थी। सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड 3 दिन के लिए और बढ़ाने की मांग कोर्ट के सामने रखी है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि मनीष सिसोदिया की होली जेल में ही बीतेगी, क्योंकि उनकी जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। सिसोदिया की ओर से पेश वकील एडवोकेट दयान कृष्णन ने रिमांड की मांग का विरोध किया। दलील दी कि सीबीआई रिमांड इस आधार पर नहीं मांग सकती कि हम आरोपी के कबूल करने का इंतजार कर रहे हैं। वो हर बार इस आधार पर रिमांड नहीं ले सकती कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे। सिसोदिया के वकील ने कहा कि पहली बार इस आधार पर रिमांड देना ही काफी था, अब दी गई तो यह अति होगा। इस पर जज ने कहा कि अगर आपको लगता है कि पहले रिमांड देना गलत था तो आप उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देनी चाहिए थी। इस बीच मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। अदालत ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीबीआई द्वारा मांगी गई रिमांड पर कोर्ट 4 मार्च को ही शाम तक या देर दोपहर तक अपना फैसला दे सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।